हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हम सबकी रसोई विद बबीता। आज हमारे घर बनने वाला है, यानी कि मेरी मम्मी बनाएंगी बिल्कुल बिहारी स्टाइल में आलू की सब्जी, जिसे दम आलू कहा जाता है, और बॉईल किए हुए आलू यानी कि पक्का चावल, और बिल्कुल लहसुन और मिर्च की चटनी। ये सब इसमें जो मसाले वो सिल बटने पे पीसे गए हैं, और ये चटनी भी सिल बटने पे पीसी है मम्मी ने। तो अगर आपको पसंद आए प्योर बिहारी स्टाइल में सब्जी, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आज हमारे घर बनने जा रही है बिहारी स्टाइल में आलू की सब्जी, जिसे आलू दम कहा जाता है, और राइस बना रही हूँ जो मैं। ये सब्जी मेरी मम्मी बनाएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर तरीके से, जैसे बिहार में बिल्कुल प्योर तरीके से बनता है, बिल्कुल वो वैसे बनाएंगी। तो इसमें ही ये सारे मसाले पीसेंगी। मसाले में मैंने थोड़ी राई ली है, जो कि सरसों होती है, आप सरसों कोई भी ले सकते हो। थोड़ा सा जीरा है, और लहसुन है मेरे, अदरक है, और प्याज है, टमाटर है, और तड़का लगाने की सूखी मिर्च ली है, और तेजपत्ता और धनिया, और थोड़ी सी काली मिर्च है, एक दो दाने लिए हैं मैंने, ये देखिए, और एक दो लौंग है। ये सब मेरे पास मसाले पीसे हैं, पर आज बिल्कुल प्योर बिहारी स्टाइल में ये सब्जी बनेगी, इसलिए सब कुछ इस पे पीसा जाएगा। अब मेरी मम्मी आने वाली हैं, तो वो पीसेंगी और वो सब्जी बनाएंगी। एक तरफ मैंने आलू उबाल लिए हैं, यानी कि तैयारी थोड़ी कर ली है, ताकि उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। देखिए इन दिनों नए आलू बहुत मिल रहे हैं, इनकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, इसीलिए आलू दम फ्राइड आलू जिसे हम कहते हैं, वो सर्दियों में ही बनाए जाते हैं। तो इन्हें मैंने धोकर अच्छे से उबाल लिया है, ये बिल्कुल छोटे हैं आप देख सकते हो, और ये हैं मेरे राइस, ये हैं बॉइल्ड राइस, यानी कि उबले हुए चावल, जिसे पक्का चावल भी कहा जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये चावल खाने से हमारी जो पेट की प्रॉब्लम्स है, जैसे गैस वैस बहुत लोगों को बन जाती है, या फिर पेट में और प्रॉब्लम हो जाती है, वो नहीं होती, क्योंकि इसमें जो पानी है वो सारा निकल जाता है और चावल ही रह जाता है। और ये मैंने लिया है एक गिलास। आप जब भी ये बनाएं तो थोड़ा भगोना बड़ा लें, ये भगोने में ही बनते हैं, कुकर में ये नहीं बनते, आप थोड़ा बड़ा भगोना लें। ये देखिए मेरे पास एक बड़ा भगोना ये भी है, पर आज मैं इसमें नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये हम दो लोगों के लिए बना रहे हैं, तो ये मेरा पतीला ठीक है। मैंने एक गिलास चावल लिया है, आप एक कटोरी कैसे भी ले सकते हो, मैं मेजरमेंट करके नहीं बनाती, तो फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने एक गिलास चावल लिया है, और इसको मैं आधे घंटे भिगो देती हूँ, जब तक मम्मी ये सारी चीज़ें इस सिल पर पीस कर रखती हैं। तो चलो बुलाती हूँ मम्मी को पीसने के लिए मैं, और मैं अपने चावल भिगो कर रखती हूँ, जब तक ये मेरे अच्छे से भीग जाएंगे, मेरी ये सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ये देखिए मैं सारे मसाले पीस चुके हैं, ये है मेरा प्याज, अदरक लहसुन, और ये सारे वो राई वाई थे जो वो सब है, और तेज पत्ता है, और ये मैंने थोड़ा सा लहसुन ऊपर अपने उगा रखा है, मैं वो लेकर आई हूँ, जो कि इसमें मैं काट के डालूंगी, इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। ये मेरे टमाटर हैं, और ये मेरे आलू छील चुकी है मम्मी, और कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है, डालो मम्मी आलू। ये देखो मम्मी आलू डाल दिए, अब ये हमारे हल्के से ब्राउन करेंगी, यानी कि तेल में थोड़ा सा फ्राई करेंगी। मम्मियों के ना हाथ का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, वैसे तो मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन मम्मी का थोड़ा टेस्ट हाथों का ना अच्छा आ जाता है, इसीलिए वो बना रही हैं आज। ये देखिए अब ये फ्राई करेंगी इन्हें, और एक तरफ देख सकते हो आप, मैंने जब सिल निकाला ही है तो उसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन यहाँ भी रख दिया है, ये मेरे लहसुन है जो मैंने तवे पे भूज लिया, लहसुन और मिर्च, ये थोड़ा सा धनिया है, इसे भी मैं सिलबटने पे पीस लेती हूँ, यानी कि इसकी भी चटनी बना लेती हूँ जब मैंने ये निकाला है बाहर, तो क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मेरा मसाले का पानी है, जो हमने सिलबट्टे पे मसाला पीसा सब्जी का, ये वो वाला पानी है जो कि हम सब्जी में यूज़ करेंगे। तो मम्मी वहाँ फ्राई कर रही हैं, जब तक मैं धीरे धीरे ये पीसती हूँ। ये देखिए तेल मेरा गर्म हो चुका है, अब मम्मी डालें इसमें तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च, ये बिहार साइड की चूड़ियाँ फेमस, ला की चूड़ी जिन्हें बोलते हैं। ये देखो आप क्या डालेंगे, इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रही हैं, ये प्याज था मम्मी,
वो रहा लहसुन अदरक को थोड़ा वाला जो, हाँ ये वाला। अभी मम्मी ने भूले से प्याज डाले थे, अब डालिए अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे हल्का सा भूजेंगी। साइड में मेरी चटनी भी बटती जा रही है, क्योंकि मैं नहीं बट पा रही हूँ तो मम्मी ही बट रही है। देखिए फिर बटने की, थोड़ा वो भूज कर फिर आएंगी यहाँ बटने। ये आलू भी मेरे फ्राई हो चुके हैं बिल्कुल, ये देखिए इस तरह देख रहे हो बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब वो बिल्कुल गैस बिल्कुल मीडियम है मेरी, इसमें वो अपना मसाला भूज रही है। अब मम्मी डाल रही है ये बाकी मसाले, इसी में मैंने थोड़ा सा धनिया मिर्च और क्या नाम है, धनिया मिर्च और हल्दी ये पीस दी थी, पीसी थी पर मैंने फिर भी थोड़ा सा सिलबटने से पीस दिया था, और बाकी मसाले तो हमने पीसे ही हैं। तो अब ये भी इसमें डाल के भूज रही हैं, देख सकते हो आप। थोड़ा हम ऊपर से कलर के लिए हल्की सी हल्दी डालेंगे, अदरवाइज मैं पीस चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ ताकि हमारा कलर आ जाए। ये देखो मम्मी ने अब टमाटर भी डाल दिए, जो मैंने दो थोड़े बड़े साइज के टमाटर पीस के रखे थे। आज ये सारा मसाला सिलबट्टे पे पिसा है इसलिए इसका टेस्ट थोड़ा चार गुना हो जाएगा। ये देखो अभी से भी भूज दे रही है बिल्कुल गैस मीडियम है मेरी। अब इसमें नमक डाल दो, नमक डाल के ढकोगी ना। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के इसे ढक देते हैं ताकि हमारा मसाला अच्छे से भूज जाए, और गैस हमें बिल्कुल मीडियम रखनी है। और जब तक मम्मी अपनी चटनी पूरी कर ले रही है, अपनी नहीं यानी कि हम मेरी कर दे रही है पूरी, तो चलो नमक डाल देती हूँ मैं। ये देखो अभी से ही मम्मी जो भूज रही है उसका कलर और टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है मसाले का देखने में, पता नहीं क्या जादू इनके हाथों में पता नहीं चलता। ये एक चीज बस भूल गई थी मम्मी जो मैं अब डाल दे रही हूँ, हरा लहसुन जो मैं तोड़ कर लाई थी, तो अब डाल देते हैं। कोई बात नहीं मम्मी डालना, पोछ लो इस पे से चमचे से पोछ लो। अच्छा अब ये मम्मी ने डाल दिया, अब इसे मैं ढक देती हूँ और एक से दो मिनट तक हम अपना मसाला भूज लेते हैं। मेन सब्जी इसलिए अच्छी बनती है ना, चलाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। देखो कैसे चला रही है, मैं ऐसे नहीं चलाती, देखो बिल्कुल उसको आगे से पकड़ के चला रही है और बराबर चलाया जा रही है। अब मम्मी ढक दो ना, अब हम इसे ढक देते हैं। ये देखिए मसाला बिल्कुल भुज चुका है। अब मम्मी थोड़ा चटनी बट रही है इसलिए मैं इसमें अब ये आलू डाल देती हूँ, और इस मसाले के साथ भी हम आलू को एक से दो मिनट भूज लेते हैं। और एक तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, आप देख सकते हो। पानी हमें इसमें बहुत ज़्यादा डालना है, जैसे कि मैंने एक गिलास चावल लिए हैं तो आप तीन गिलास तक जरूर पानी डालें क्योंकि ये सारा पानी निकल जाएगा। तो मैंने चावल भी एक साइड रख दिए, गैस बिल्कुल मेरी हाई है। अब मैं इसे एक से दो मिनट भूज लेती हूँ। ये देखो मम्मी ने चटनी बटी है, ये देखो कितनी महीन बटी है, बटी है ना, ये देखिए। और एक तरफ मेरा आलू भी भूज चुका है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। डाल दूं मम्मी पानी? हाँ ये देखिए अब मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ जो हमारा मसाले का पानी बचा है। ये हम राइस के साथ खाएंगे इसलिए मैं थोड़ी ग्रेवी रखूंगी, अदरवाइज ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए अभी से इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। और एक तरफ मेरे चावल हल्के से बॉयल हो रहे हैं, हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे, और थोड़ा सेफ्टी से बनाना आप। ये देखिए कितने आराम से मैं चला रही हूँ, ये देखिए अब ये मेरे अभी मेरी गैस हाई है। जब मेरा इसमें बॉयल आ जाएगा अच्छे से उबल चुके पानी उबल जाएगा तब मैं गैस बिल्कुल मीडियम कर दूंगी। और डालूं मैं पानी? थोड़ा सा और डालूं ना, थोड़ा सा पानी हम और डाल रहे हैं क्योंकि हम चावल के साथ खाएंगे। अब मम्मी का काम खत्म, अब मम्मी जा रही हैं, अब इसे मैं ढककर 5 मिनट तक पका लेती हूँ। ये देख सकते हो आप चावल में मेरा एक उबाल आ चुका है, अब मैं बिल्कुल गैस बिल्कुल लो कर दे रही हूँ, और इसी में हम इसे चावल को ऐसे खोलकर एक से दो मिनट और पकने देंगे। आप तब आप देखना है चावल कैसे हो जाते हैं। और यहाँ मेरी सब्जी भी बन चुकी है, इसकी ग्रेवी ये देखिए मैंने चावल के अकॉर्डिंग रखी है, ये देखिए ये देखिए। तो सब्जी बनकर मेरी बिल्कुल रेडी है, इसमें मैं अपना डाल देती हूँ धनिया और
चावल बनने में मेरे 5 मिनट और लगेंगे। जब मेरे चावल बनते हैं तब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इन्हें कैसे पसाती हूँ। ये आप देख सकते हो मेरी सब्जी बिल्कुल बनकर रेडी है। अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ और ये देखिए मेरे चावल भी बन चुके हैं, यानी कि पूरे नहीं बने, अभी इसमें पानी है, इस तरह हुए, ये देखिए हाथ से ऐसे मैश हो जा रहे हैं। अब मैं ये पानी निकाल लेती हूँ। गैस हमें जला के ही रखनी है, गैस बंद नहीं करनी। मैं इस एक बराबर प्लेट जो बिल्कुल बराबर कवर कर ले वो, और एक तरफ मैंने ऐसा बर्तन रख दिया है और मैं यहाँ पे रखकर अपने चावल झुकाकर उसका पानी निकालूंगी। मैं वो दिखा नहीं सकती क्योंकि मेरा बेटा नहीं है, तो मैं मुझे अकेले करना पड़ रहा है। वो मैं कभी नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं निकालती हूँ, पर मैं इधर रखकर और इस तरह झुकाकर सारा पानी निकालूंगी, यानी कि जो उसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकालूंगी, जिसे हम माड़ कहते हैं, जो हमारे पेट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम करता है, इसीलिए हमारे यहाँ इस तरह के चावल बनते हैं, ताकि थोड़ा ही खाएं लेकिन हमारा जो डाइजेस्ट, हम चावल को डाइजेस्ट अच्छे से कर सकें। तो सब्जी बन चुकी है मेरी, मैं इसे ढक देती हूँ। मम्मी ने बनाई है तो कलर कितना अच्छा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन वही बात हो जाती है ना, माँ के हाथ का टेस्ट ही कुछ और होता है। तो अब मैं अपना पानी निकालती हूँ। ये देखिए इस तरफ दोनों पकड़कर मैंने पानी एक्स्ट्रा निकाल दिया है। ये रहा हमारा पानी, देखिए ये रहा हमारा पानी, ये देखिए। इसे माड़ कहा जाता है, जो कि हमारा, हमारे पेट के लिए बहुत हार्मफुल होता है, इसीलिए हम लोग उबले हुए चावल बनाते हैं, यानी कि पक्का चावल बनाया जाता है हमारे यहाँ, जो कि नुकसान नहीं होते। तो मेरी सब्जी भी बनकर रेडी है और ये देखिए मेरे चावल भी बन चुके हैं, ये देख सकते हो आप। ये देखिए अभी मैंने इसे गैस पे इसलिए रखा है, जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है, यानी कि नीचे तल्ली में होगा, वो सारा सूख जाएगा। ये देखिए मेरे चावल कितने अच्छे बने, देख रहे हो आप, बहुत फ्रेश बनते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। पहले मुझे अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि हम लोग की तरफ नहीं बनाए जाते, पानी पानी लगता था मुझे, पर अब आदत पड़ गई है तो मुझे भी चावल अच्छे लगते हैं। तो अब मैं इन्हें ढक देती हूँ और 1 से 2 मिनट तक मैं इन्हें ढके ही रहने देती हूँ। गैस अभी मेरी जल रही है, मैं 1 से 2 मिनट इसी पे रहने दूंगी, 1-2 मिनट के बाद मैं गैस बंद करूंगी, ताकि जो इसके नीचे पानी है एक्स्ट्रा वो सारा सूख जाए। और ये माड़ आप किसी में भी यूज कर सकते हो, पर मैं किसी में यूज नहीं करती क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं आपको एक इस माड़ की एक वो दिखाती हूँ, ये देखिए मैं अभी इसे इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। ये हम क्यों ऐसा खाते हैं चावल, मैं उसकी आपको एक बिल्कुल डेमो जो होता है ना, बिल्कुल वो करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी मोटी सी, देखिए आप, ये देखिए ये अभी धीरे जैसे ही ठंडा होगा तो यहाँ एक मोटी सी लय जम जाएगी, यानी कि मोटी सी परत पानी की जम जाएगी, जो कि माड़ होगा। तो वही हमारे शरीर में जाता है, जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, जो हम चावल डाइजेस्ट नहीं कर पाते, फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है। अभी आप देखते रहना ये कैसे हो जाता है, बिल्कुल एक मोटी लय टाइप का हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, अभी से आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए कितना साफ है और यहाँ देखिए कैसे हो रहा है, जहाँ जहाँ ये पानी गया है देख सकते हो आप। अभी से आपको कुछ मोटा मोटा दिख रहा होगा, चमकीला सा, बस एक मिनट भी नहीं, आधे मिनट में आप देखना ये कैसे हो जाएगा। ये देखिए गैस मैंने अपनी बंद कर दी है, ये देखिए मेरे चावल कितने अच्छे बने, देख रहे हो बिल्कुल खिले खिले बने, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए और कितने लंबे लंबे हो गए। इसीलिए आप इसे भगोने में बनाना पके हुए चावल को। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ कि क्या हाल हुआ है उस पानी का, ये देखिए, देख रहे हो आप, देखो ये देखिए, देख रहे हो आप, ये देखिए हमें चावल के साथ आ रही है, ये देखिए। इसीलिए इस चावल का माड़ निकाल कर बनाया जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर, हमारे पेट को बहुत नुकसान पहुंचाता है, तभी हमारे यहाँ इस तरह का चावल बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगी मैं बिल्कुल आसान सी वीडियो के साथ। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे मेरे बिल्कुल बिहारी स्टाइल में लंच आज का, जो कि सब्जी मम्मी ने बनाई है और चावल जो बिहार में बहुत खाए जाते हैं, यानी कि उबले हुए चावल। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, और एंजॉय जरूर करना और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको बिहारी स्टाइल कैसा लगा। बाय दोस्तों।